बस इंतजार कर रहा हूँ, अभी बज रहे होंगे 2 रात के। मैं मेरे बैग ले लेता हूँ यहाँ से। ओके, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। टेक वन पिक्चर। ओके ओके ओके, शुक्रिया। यू नो शुक्रिया द वर्ड ऑफ थैंक यू। थैंक यू। या माय वर्ड। ओके थैंक यू। थैंक यू। कुछ इस तरीके का था, मतलब उनकी फोटोज कैसी है, शायद वरुण भाई इस तरीके से है यहाँ पे। ने आवाज मारा है उसके तो तौरते हुए जा रहा हूँ। कोला किड्डा। थैंक यू। जैती नहीं, कोला किड्डा। आई एम फ्रॉम इंडिया। प्लान मेरा चेंज हो चुका था, मैं बहुत थक गया था, उसे 2.5 घंटे में लिफ्ट किया। मेरी हालत आप देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे मेरी हालत कैसी है इस टाइम। योर नेम? शाओ। शाओ युआ। फ्रॉम मलेशिया। फ्रॉम मलेशिया। ये छोटा सा टाउन है, इसका नाम है टिकमबाटू। छोटा सा टाउन है, मतलब यहाँ पे टूरिस्ट तो ना के बराबर, मैंने एक को भी नहीं देखा यहाँ। ओके थैंक यू। लॉकडाउन के बाद काफ़ी चेंजेस आया था, इसकी वजह से यहाँ पे टाइम टेबल भी बहुत चेंजेस हुआ। लास्ट फेरी 1 बजे की थी और मैं यहाँ पहुँचा था 3 बजे। अगली फेरी कल सुबह थी तो मैं यहाँ पे फंस गया था। ओके आई विल मैनेज, आई विल स्टे इन मॉस टुडे। इन मॉस? यस। बाय। यू आर माय नंबर जस्ट इन केस। थैंक यू। ओके सो एनीथिंग यू कैन कॉल मी। ओके ओके। 8:30 और 1 बजे, बाकी काउंटर क्लोज हो चुके हैं। अब मुझे खुद ही कहीं ना कहीं ट्राई करना पड़ेगा स्टे कहाँ का। कुछ इस तरीके का वॉशरूम है यहाँ पे। यार मेरी हालत बहुत बेकार, इतना काला मेरे हाथ। जब मैंने अपने आप को मिरर में देखा तब मैं समझ गया मैं काफ़ी काला हो चुका, क्योंकि जिस टाइम मैं फ़र्स्ट टाइम आया था मलेशिया के अंदर, मैं मेरा स्किन कुछ इस टाइप का था और ऑटोमेटिकली बाद में 1 हफ्ते के बाद मैं बहुत सनी एटमॉस्फियर होने की वजह से मेरी स्किन डल हो गई थी। अब इस टाइम हो रहे 5 बज रहे शायद और लास्ट फेरी थी 2:30 बजे की। मैंने तो पहले से सोच के निकला था कि मैं मस्जिद में ज़्यादा दिन स्टे करूँगा, हॉस्टल में कम, पर मैंने किसी से सुना भी क्या मस्जिद में स्टे नहीं करने देते। अब मुझे पता नहीं, वो बोल रहा था मैं लेके चलता हूँ आपको, 80 रिंगिट मुझे दे देना। होटल हाउ मच फॉर होटल्स? 80। अब वो फेंक रहा है क्या मस्जिद में स्टे नहीं करने देते, पर मेरे हिसाब से तो करने देते, मस्जिद में मना किसी को नहीं करते हमारे यहाँ भी, इंडिया में भी और कहीं और भी। शायद वो मुझे पैसे लेने की कोशिश कर रहा होगा। वो बोल रहा था मैं आपको 80 मलेशियन रिंगिट में आपको होटल दिलवा दूंगा। वहाँ से पूछा कि होस्टल्स बहुत महंगे हैं यहाँ पे, काफ़ी मतलब 2000 के करीब करीब हो जा रहा है। क्या मुझे फिर यहीं पे कहीं पे रुकना पड़ेगा पूरी नाइट? दिस वे, दिस साइड। ओके थैंक यू। मैंने उनसे पूछा जो लोकल्स हैं रोक के कि वो मुझे अलाउ करेंगे क्या, वो बोल रहे उस्ताद से पूछ लीजिए आप, शायद
वो अलाउ कर दे। कोई मुझे बोले ना, मैं इसलिए पहले से ही क्लियर कर उनसे पूछ के जाना चाहता हूँ। Is that okay to take a bag there? Bag here. In but it's my personal documents for my passport or thing. In today, after Isha. After Isha. Closed. 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 Mana masjid semua closed. All masjid are closed. All masjid closed. In deputy then police station. They are complete semua masjid closed. ओके थैंक यू। मुझे उस्ताद ने ये बताया COVID-19 के वजह से यहाँ पे गवर्नमेंट ऑर्डर है कि मस्जिद ईशाबाद क्लोज करनी पड़ेगी। या मैं कहीं टर्मिनल पे आज रात बिता दूँगा 24 सोने मिलेगा नहीं, देख तो लेट सी। तो बुकान तारे देखना तो चाकर तारे देखना ikan ada ada mos saya kan, but you only outside there. They allow me outside allow you maybe after finish pray I can help you। प्लान में और थोड़ी सी तब्दीली हुई है, शायद वो बोल रहे थे कि मैं आपको हेल्प करता हूँ, आप दूसरे मस्जिद में रुकने का। प्लान में ऐसा चीज़ है, अभी ये भाई मुझे लेके जा रहे हैं कहीं दूसरे मॉक्स में। वैसे तो इस मस्जिद में मैं अकेले ही रहूँगा। ठीक है देखते हैं। अब मुझे वहाँ रहने की परमिशन तो मिल गई है, पर यार वहाँ पे कोई भी नहीं है, खाली है यार, और थोड़ा बहुत डार्क है। और 4 रिंगिट और राइस 1 रिंगिट, मतलब 5 रिंगिट के अंदर हो चुका है। मस्जिद में अकेला रहने के बजाय मैं आ गया मस्जिद से वापस। मैंने वहाँ पे गया वॉशरूम के अंदर और मैंने कपड़े वॉश किए, जो इसमें रखा मैंने गीले कपड़े ये, तो उसका यूज़ कर लिया मैंने। मेरे पास डिटर्जेंट नहीं था, मैंने वहाँ से कहीं डिटर्जेंट देखा, मैंने डिटर्जेंट यूज़ कर लिया। ये फेरी टर्मिनल है यार, बैठा हूँ यहाँ पे भी मैं देखता हूँ, क्योंकि 7-11 स्टार्ट है। मस्जिद में भी कोई भी नहीं, मैं अकेला हूँ यार, मुझे भी डर लग रहा था। फिर मैं आ गया, रोड पे काफ़ी बंदे हैं पर मुझे सेफ फील नहीं हो रहा था, तो मैं 7-11 के सामने बैठा हूँ यहाँ पे, बस इंतज़ार कर रहा हूँ। अभी बज रहे होंगे 2 रात के। मैंने बेवकूफ़ी ये कर दिया था कि मैंने कोलाकेटा से लंकावी बाय रोड सोचा, मैंने पेनांग तो मैं था उस दिन, तो पेनांग से मैं डायरेक्ट लंकावी के लिए फ़्लाइट ले रहा था। 903 रुपये की तो पड़ रही है यार, मुझे वो ध्यान नहीं था, जबकि 900 रुपये तो हॉस्टल नहीं है यहाँ पे। वो बहुत बड़ी गलती कर दिया मैंने, बहुत टफ डे है आज। एक तो लिफ्ट भी बहुत लेट मिली थी, आपने इससे पहली वाली वीडियो में देखा होगा, काफ़ी बड़ी हो चुकी है वीडियो, मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं ये अपडेट कर रहा हूँ कि मैं किस हालत में हूँ ये बता रहा हूँ मैं आपको। बैग पैकिंग करना, मतलब ही चेकिंग करके जाना, टाइम टू टाइम पहुँचना नहीं होता है। तो गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के हो रहे हैं, 5 बज रहे हैं। मेरी फेरी थी 8:30 की, सबसे पहले टाइमिंग है अभी, मतलब 8:30 और 11:30 बजे तक के लास्ट टाइम है। 3 फेरी चलेंगी यहाँ से, मैंने आपसे कॉल शो किया था, आप देख सकते हो। अब मैं जाऊँगा फेरी से, क्या टिकट होती है, क्या प्राइस होती है, मैं आपको आगे अपडेट करके बताता हूँ। 600-700 के हिसाब से हो रही है, और काउंटर बाहर रहता है, आपको बाहर से टिकट लेना पड़ता है, और ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हो आप। और कुछ इस तरीके का टिकट्स है, मेरा नाम लिखा हुआ, पासपोर्ट देना पड़ता है, वो नाम ड्रॉप कर दिया। सीट नंबर 310 है मेरा, और ये मैं जा रहा हूँ कोलाकेटा से लंकावी। पेट्रोल डीजल काफ़ी सस्ता है, 40-50 रुपये 55 रुपये बहुत हो गए, दोनों भी बता रहा हूँ मैं आपको। तो फिर भी ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी महंगा है यहाँ पे, आप 30 मिनट या 5 मिनट में पहुँच जाएंगे, 60-65 किलोमीटर आएगा। कुछ इस तरीके का व्यू है यहाँ पे, स्ट्रेट अपसेट, दिस वन 310।
मेरी के अंदर की कैपेसिटी होंगी कम से कम तो या 350। तो जनाब आपका स्वागत है संगावी के अंदर और ये है कुआ टर्मिनल। काफ़ी बड़ी सीट है। ये कुछ इस तरीके का टर्मिनल है। तो यार मेरा चेहरा लंगावी तो मैं पहुंच चुका हूं। मुझे जाना है चिनांग बीच। और अगर आप एरोप्लेन से आ रहे हो एयरपोर्ट आपको काफ़ी चिनांग बीच के पास करीब ही मिलेगा। चेक इन ट्राई कर रहा हूं यहां से 16 किलोमीटर चिनांग बीच जहां मुझे जाना है। और इस साइड में चिनांग बीच, इस साइड में है जेटी पॉइंट जहाँ से मैं आया हूँ। I'm going चिनांग बीच। Oh, now we not going चिनांग now. No, only here. Okay, thank you. Taking. Okay, bye. So, friend, where you want to go? Any? Okay, जनाब पाया का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे लिफ्ट के लिए। Where you from, friend? I am from India. Oh, from India. Yeah, yeah. Yes. Only one person. You come here? Yes. Only me. I'm doing this because I meet a local people. It's good. Yeah. You come by ferry? Yes, I am come by ferry. From? कोला केडा। या कुछ इस तरीके के नज़ारे है। आर यू वर्किंग है? यस, आई कार रेंटर। आई डू बिजनेस कार रेंटर। मैं इनका नंबर ले लूँगा, अगर आपको चाहिए तो आप इनसे कार रेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, मैं कुछ दूंगा। अगर आपका प्लान है लंका भी आने का तो आप इन जनाब के पास से काफ़ी सारे कार्स ले सकते हैं। एनी बाइक ऑल्सो? Bike can also. In one day, how much bike for? Okay, for one day, bike renter. Yeah. 35 ringgit. For car, one day 80 ringgit. आप 80 ringgits दे सकते हैं per day, one day. For one day. For 24 hours. 24 hours. 80-90% मुस्लिम हैं यहाँ पे लंकावी के अंदर। This local here, many Muslim, all Muslim lah. 2 hours. दो घंटे में आप पूरा आइलैंड घूम सकते हो कार से। काफी सस्ता है यहाँ पे इंडिया के मुकाबले। आपके कस्टमर्स भी आए हुए हैं ऐसा बता रहे थे मुझे, और उनको उनके वाइफ से भी कोई काम है ऐसा कुछ है। तो मैंने उनको बोल दिया आप मुझे MPP ड्रॉप कर दिए जो चिनांग रोड जाता है वहाँ पे, तो मेरे लिए इसी होगा फिर दूसरी लिफ्ट लेने के लिए। लंकावी के हर पीपल मतलब हेल्पफुल है, ये भाई बता रहे हैं मुझे। मतलब यूट्यूब पे मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। I see the film Shahrukh Khan. Yeah, मैं हूँ इस वक्त लंकावी में और ये जनाब ने रोजेद नाम है इनका, इन्होंने मेरे को लिफ्ट दिया है। मैं जा रहा हूँ चिनांग बीच, फोटो ले रहे हैं मेरे साथ। ओके लिया था, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ जनाब के वाइफ से। योर नेम? इका।
Children also? Girl or boy? Girl. जनाब को शादी को 7 साल हो चुके हैं और इन्हें एक लड़की भी है. तो मैंने इनके मोबाइल पे मेरा वीडियो बताया, मैं इनको बता रहा हूँ. You can come. You can come. If you message, then you will come. You can text me also my home also. Because my mom was very happy if you come to my home. मतलब खड़े इनका और काफी सारे कार्ड खड़े हैं. इस विलेज ला दिस. ये छोटा सा कस्बा है, इसे बोलते हैं पडांग मसीरा टाउन. आप देख रहे होंगे इस साइड छोटा सा ही है और ये है मस्जिद. मस्जिद मैंने देखा है, काफी खूबसूरत खूबसूरत मस्जिद है मलेशिया के अंदर. ये है लंकाविका एयरपोर्ट. इंडियन फूड मारुको. दिस वन मारुको है. तो जनाब अपने कस्टमर को अटेंड कर रहे हैं यहाँ पे एयरपोर्ट पे. ये कुछ इस तरीके का एयरपोर्ट है. कार डिलीवर कर रहे हैं. कार के आउटसाइड का क्या है वो तो हर जगह होता है. ये आपको ले लेना चाहिए, वो भी कि आपके सेफ्टी के लिए. या क्या कहाँ कहाँ क्रैचेस है वो सब चीज़ें. अगर आप अभी नहीं पहुँचोगे तो आगे आपको प्रॉब्लम हो सकती है. पर जनाब बहुत अच्छे है ये. ये भी कार काफ़ी नई है और वो भी कार काफ़ी नई है. इस साइड में एयरपोर्ट है और इस साइड में ही बीच है. मैं थाई विला ही जा रहा हूँ जो उस टाइम हमारे वरुण भाई गए थे, तो मैं वहीं पे स्टे करने वाला हूँ. एक वही हॉस्टल है जो चीप है. ये जनाब बता रहे हैं. अगर मैंने इनसे ऐसा पूछा, अगर मेरे पास लाइसेंस नहीं है तो फिर मैं क्या करना, मुझे क्या करना चाहिए अगर मुझे बाइक लेना है तो वो बता रहे हैं अगर आपके पास इंटरनेशनल लाइसेंस नहीं है तो अगर एक्सीडेंट होता है बाई चांस तो वो क्लेम नहीं कर पाएंगे. तो शायद मेरा थाई विला आ गया. ओके थैंक यू. ओके वेलकम. तेरी माँ खसी. सामा सामा. ओके एनीथिंग हैपन यू माय होम. मैं मेरे बैग ले लेता हूँ यहाँ से. ओके अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम भाई. वालेकुम सलाम. वन टेक वन पिक्चर. ओके 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 ओके. अस्सलाम वालेकुम. हाँ जी हाँ. ओके शुक्रिया. क्यों थैंक यू. या बिकॉज ओके थैंक यू. थैंक यू. ओके बाय बाय. तो मैं थाई विला पहुंच गया हूँ. ये प्रॉपर्टी है कुछ. या yeah.